लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है कि इक्वेशन क्या होता है, कौन बताएगा? सूरज, अंशिता, हर्ष? व्हाट इज एन इक्वेशन? बोलो बोलो। अरे जो भी पता है बोलो, एक इक्वेशन होती क्या है? अरे बोल दो कुछ तो। सूरज, बेसिक एकदम, इक्वेशन क्या होता है? सुनाई दे रही है हमारी आवाज? अंशिता, हेलो, यस सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, हाँ, तो एक इक्वेशन क्या होती है ये हाँ तो रही बता। है। व्हाट इज एन इक्वेशन? अरे नहीं बता तो बोल दो ना, नहीं बता क्या होता है? हाँ भाई आदर्श, गुड आफ्टरनून। पिछली क्लास में कहाँ निकल गया था? अरे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ तुमको जो पता है इक्वेशन के बारे में बता दो सूरज। देखो, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो चीजें होती हैं, जनरल लिखते हैं, एन की पावर कुछ, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है। अभी हम एक जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। ठंड हो गई यार, हाथ नहीं चल रहे ढंग से इस पे। और कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं ऐसे ही। हाँ और दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो इस इक्वेशन में दो पार्ट है, एक वेरिएबल्स का और एक उनके किसका, क्या बुलाते हैं इनको? ये वेरिएबल हो गया, बताओ बताओ। कोफिशिएंट यस, ये हो गए कॉफिशियंट्स, A1, A2, A3। ये हो गए हमारे कॉफिशियंट्स, इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और एक्स वाई जेड, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। इनके लिए हम जनरली पूरा तामझाम कर रहे हैं। तो जनरली हम A B C इनको कोफिशियंट्स के लिए यूज करते हैं, और एक्स वाई जेड इन लेटर्स को हम वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है? जनरली, बट जरूरी नहीं है, इट्स नॉट अ रूल, उल्टा भी हो सकता है। So, समझ आया अब एक इक्वेशन क्या होती है? अंगूठा दिखा दो भाई। ओके आदर्श। हाँ भाई हर्ष, समझ आया? हर्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा। चलो फिर, नोट कर लिया ना, चले आगे। किसी ने नहीं करा तो बोल दो, नहीं तो फिर आगे चल रहे। तो ये होती है इक्वेशन, तो इसमें एन की कुछ वैल्यू होगी, तो एन की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए हमारी कुछ टाइप की इक्वेशन होती है। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है तो वो दे देती है हमें लीनियर इक्वेशन, 2 दे देगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 दे देगी क्यूबिक इक्वेशन, एंड सो ऑन। तो लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये किस टाइप की होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड
सो कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है? अभी हम वेरिएबल्स रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या हो गए हमारे कोफिशिएंट्स हो गए अगेन, और एक्स वाई जेड हमारे हो गए वेरिएबल्स, ठीक है? तो ये इक्वेशन कितने वेरिएबल्स की है? बोलो बोलो बोलो, कितने वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है ये? इसमें इतना क्या सोच रहे हो, तीन वेरिएबल है ना, तीन वेरिएबल। ये कितने वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में? दो। और तो इसमें कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है साथ में, जरूरी नहीं है। और ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन हो गई? एक। ठीक है, नोट कर लो ये। समझ आया लीनियर इक्वेशन के बारे में? अंशिता समझी? चलो फिर आगे चलें। तो अब हम बात करेंगे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है? एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है? तो इससे क्या होगा, हमारी x की एक वैल्यू आएगी। ये इक्वेशन क्या कर रही है, x की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। x क्या आ जाएगा यहां से, माइनस बी बाय ए, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, हमारी x की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कोई और वेरिएबल है y z एंड वट एवर, उसकी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर ये तो बोल रहा है ना हमें सिर्फ x की वैल्यू है माइनस बी बाय, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये चीज याद रखो, ये चीज समझ में आई कि बाकी वेरिएबल्स की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है जब तक हमें कुछ बताया नहीं जाएगा उनके बारे में। सिमिलरली अगर y इक्वल टू फोर है अगर, तो इसमें x क्या हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, where r is real। ठीक है, समझे? अरे लड़की समझी, बूढ़ा दिखा दिया अगर अपने आप अंशिता। चलो तो अगर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, तो वही बात हो गई, जहां पे x की वो वैल्यू जिस पे ax प्लस b इक्वल टू जीरो। अब x एक वेरिएबल है, अभी हमें पता नहीं है x की क्या वैल्यू है। तो सपोज 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो है, तो x की क्या वैल्यू डालूं कि LHS और RHS इक्वल हो जाए, ये एक्सप्रेशन मेरा जीरो हो जाए, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस थ्री बाय टू। तो अगर ये मेरा ये इक्वेशन देखूं मैं, तो अगर मेरे को देखना हो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं x, तो x की वैल्यू यहाँ माइनस थ्री बाय टू डालूंगा, तो ये कितना आ गया, टू टू कट गया, ये आ गया जीरो, विच इज इक्वल टू आर एच एस। सो देयरफॉर आई विल से x इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू is a solution the given equation। ठीक है, समझ आया? सर ये लास्ट में सेटिस्फाई कैसे किया है आपने? व्हाट x की वैल्यू बस डाल दी इस इक्वेशन में, देख 2x प्लस 3 है ना।
तो क्वेश्चन हमें ऐसे बोल देगा, एक इक्वेशन दे देगा, कोई भी ऐसी इक्वेशन दे देगा, 2x + 5/2 + 7। तो और बोलेगा कि चेक इफ x = 3 इज अ सॉल्यूशन और नॉट। तो बस इसमें उठा के x को 3 डाल दो। दिस इज क्लियरली नॉट इक्वल टू 0, सो वी विल से दैट x = 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन। समझ गए अंशिता? समझी? चलो नॉट अ सॉल्यूशन, नोट कर लिया सबने? भाई तो अब देखो भाई आ गया, देखो अब वो बोल रहा है कि वेरीफाई दैट x = 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे RHS पे 0 नहीं है, 5 है, तो क्या हुआ? तो LHS पे 5 बन जाएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। बट बेसिकली LHS और RHS इक्वल हो गए तो सॉल्यूशन है, नहीं हुए तो सॉल्यूशन नहीं है। तो हम चेक करने के लिए लिखेंगे LHS 2x - 3, तो x = 4 चेक करना, तो x को 4 डाल देंगे, तो ये कितना आ गया, 8 - 3 = 5 = RHS, therefore x = 4 is a solution of the given equation। समझे? श्योर कर लिया, नोट कर लो। हो गया? बोलो बोलो, हो गया क्या? सूरज, अंशिता, सूरज हो गया? चलो तो हमारे लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ये तो था कि चेक करना है कि है या नहीं। अब जब हमें इक्वेशन दे दी जाएगी और हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा तो क्या करें? तो उसके लिए कुछ रूल है। तो रूल क्या है कि पहला रूल यह है कि सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वेशन और द इक्वालिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है 10x - 70 = 80। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो एक्स कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं सेम नंबर दोनों साइड पे ऐड कर सकता हूं, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड पे 70 ऐड कर दिया, तो यहां 70 और 70 कट गया, -70 + 70 = 0, तो एक्स आ गया मेरे पास 150। ठीक है, समझे? सिंपल बेसिक। अभी जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, बेसिक चीजें हैं, एक बार वापस रिवाइज हो जाएंगी तो अच्छी बात है। आदर्श, अंशिता समझे? आदर्श समझे? श्योर, चले आगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऐड दोनों साइड पे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। चलो एक्स बता दो क्या होगा, है? दो ऐड करेंगे सूरज, क्यों भाई? आदर्श दो क्यों ऐड करेंगे? सर नहीं नहीं सूरज तूने नहीं, आदर्श। हाँ भाई आदर्श, दो क्यों ऐड करेंगे?
ऐड करके क्या मिलेगा भाई? अच्छा, तूने पहले का भेजा, सॉरी। तो इसमें हम अगर दोनों साइड पे 3 ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, तो एक्स आ जाएगा यहाँ से 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ, दोनों साइड जो भी ऐड करना है करो तो, और एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ भाई, कितनी देर लोगे? अच्छा, क्या होगा एक्स यहाँ पे? तो सिमिलरली जिस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड का भी सोचो। सूरज, अंशिता, करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, आदर्श, हर्ष, क्या होगा? बीच में हर्ष को एक आवाज दे देता हूँ, क्या पता आ गया वो बस। अरे आदर्श, क्या होगा आंसर? आ रही आवाज मेरी? चलो सिंपल है ना, तो एक्स बाय थ्री दोनों साइड पे 5/2 ऐड कर देते हैं, तो एक्स बाय थ्री हो गया 17/2। तो अब दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से एक्स आ गया 31/2। समझे आदर्श? नोट कर लो भाई फिर। आदर्श कर लिया, चलो फिर। तो सिमिलर टू एडिशन, सेम नंबर कैन ऑब्वियसली बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो इस केस में 21/3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड से, तो ये कट गए दोनों, तो एक्स आ गया यहाँ से, या एलसीएम 3 आ जाएगा 7-20 -14। ठीक है, समझे? सिमिलर टू एडिशन, सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। कर लिया नोट, चले आगे। चलो सूरज, चले। तो ये इक्वेशन बताओ सॉल्व करके, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से? हाँ दैट्स राइट आदर्श, सही सूरज। तो क्या आ गया आंसर हमारा? दोनों साइड से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ गया 4। सही है।
सूरज जनशिता करेक्ट है, 6 आगे। तो वही जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि सेम नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड टू बोथ साइड्स बट द नंबर हैज टू बी अ नॉन जीरो नंबर, क्योंकि अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों साइड हमेशा 0 = 0 आ ही जाएगा फिर तो, हमेशा। फिर तो कोई भी दो नंबर तुम बोल सकते हो कि इक्वल है अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते दोनों साइड। सो इट हैज टू बी अ नॉन जीरो नंबर। तो ए इंटू एक्स बाय ए, तो यहां से ए कटेंगे, एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, समझे? ये समझे ना कि जीरो क्यों नहीं हो सकता? आदर्श अंशिता, चलो छाप लिया, कॉपी कर लिया। चले आगे, तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पे दोनों साइड पे ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स आ गया यहाँ पे -9। ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सिमिलरली टू मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर कैन बी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय अ सेम नंबर बट अगेन द नंबर कांट बी जीरो, कांट डिवाइड बोथ साइड्स बाय जीरो। गॉट इट? समझे? अंगूठा दिखा दो भाई। सूरज अंशिका, ठीक है, चले आगे, कर लिया नोट। आदर्श डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसमें एक्स क्या होगा? किस नंबर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड? दैट्स राइट, 2 से करेंगे। सो 2x/2, 7/2, यहां से एक्स आ गया 7/2। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अब जब ऐसा होता है x+b = सी, ठीक है, तो जब एक टर्म मैं दूसरी साइड लेके जा सकता हूँ डायरेक्टली दोनों साइड सब्ट्रैक्ट या दोनों साइड ऐड करने के लिए, तो अगर बी यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा है ई यहाँ पे अगर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझे ट्रांसपोजिशन रूल? हाँ भाई आदर्श, ये क्लियर है ना? अगर हम एक टर्म को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं, बस हमें साइन उल्टा करना है। बी को इधर ले जाएंगे तो सी माइनस बी हो जाएगा, इधर ई को एफ ले इधर ले जाएंगे तो एफ प्लस ई हो जाएगा। कर लो कॉपी। हर्ष हो तुम क्लास में? नो आंसर। चलो ठीक है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे एक्स की भी कोई टर्म होती तो हम एक्स की टर्म को इधर ला सकते थे। सपोज ऐसा होता,
चलो अगले क्वेश्चन से समझ आ ही जाएगा। ये कर दो, इसमें एक्स क्या होगा? बोलो बोलो। करेक्ट आदर्श, सूरज। अंशता क्या होगा एक्स? अरे लड़की नहीं हो रहा क्या? अरे बोल 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 बोल। चलो भाई देखो फिर। सो क्या है हमारी इक्वेशन? तो हमारा गोल क्या है? एक्स की सारी टर्म्स को एक साथ करना और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ करना, ठीक है? तो इधर माइनस है 7x, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। इधर माइनस है 27, इधर जाके प्लस हो जाएगा। और फिर अब हम दोनों साइड पे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से एक्स क्या आ गया? 2। हाँ भाई समझे, अंगूठा दिखा दो। हाँ चलो, कॉपी हो गया। जता कॉपी कर लिया। बोलो बोलो। हाँ नोट कर लिया गया लड़की। चिता बोलो। पूछ लो, कॉपी सर। कर लिया? बोल ही नहीं रही। हाँ कर लिया, वो आवाज नहीं आ अंगूठा दिखाना फिर। चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही। चलो फिर ये क्वेश्चन करो, आंसर क्या होगा इसका बताओ। हाँ वही सही जवाब है सूरज। अरे अंशिता क्या कर रही है रे? 17 प्लस 7 क्या होता है रे लड़की? क्या होगा एक अंशिता? जल्दबाजी में। ठीक है भाई समझ गए सब लोग। तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे 8। चलो फिर तो अब मल्टीप्लिकेशन का भी हिसाब किताब कर ही लेते हैं सेट, जैसे कि हमने अभी एडिशन कर रहा। आप सेम नंबर थोड़ी ना बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे। तो
अगर कुछ ऐसा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एन है ये इधर जाके ऊपर चला, इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर सी एक्स प्लस टी डिवीजन में इधर चला जाएगा वो सी एक्स प्लस। ठीक है समझे? तो अब इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब हम ट्रांसपोजिशन से एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स आ जाएगा कॉमन, तो जरूरी नहीं है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों चीजें लेके जाऊं। मैं सिर्फ ऐसा भी कर सकता हूँ कि सिर्फ एन को इधर ले गया और इसको भी यही छोड़ दिया, एन इंटू एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एन। तो जरूरी नहीं है कि दोनों चीजों को करना। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे है, अब ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है और इधर बेसिकली क्या है, वन है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इन दोनों का क्रॉस कर सकता हूँ। तो यहां से मेरा एक्स आ जाएगा एम डी माइनस एन बी अपॉन एन ए माइनस एम सी। ठीक है भाई, समझे? सूरज, अंशिता, अंडरस्टूड, कॉपी कर लो फिर। सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा ना। हाँ भाई, कॉपी हो गया हो तो बताओ। हाँ आदर्श, अंशिता, डन। चलो तो फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू बताओ फटाफट से। गलत जवाब है मिस्टर सूरज। -3 है ऊपर, नीचे +8। माइनस साइन भूल गया क्या तू? ऊपर भाई, हुआ किसी का? आदर्श, अंशिता, हुआ क्या? बता दो आंसर।
और ये गलत जवाब है तीनों का ही। क्या वेरे सोचो, देखो क्या गलती करी है, 1 मिनट और देते। हाँ जी सूरज जी, आप सही जवाब है। आदर्श अंशिता, मिली गलती। अंशिता क्या कर रही है रे, गलत है अभी। हाँ जी आदर्श जी सही है। गलत टाइप हो गया क्या तेरे से, क्योंकि ये आंसर कैसे आ सकता है जो आया, इसके लिए ऐसी क्या गलती कर दी। 3 × 3 = 10। अरे लड़की बोलो बोलो, 2/11 है क्या तेरा आंसर। हेलो आ रही है। आदर्श हाँ तो ये चलो देखो, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 8 इधर चला जाएगा और -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि x-3। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 8x+8 -3x, -3 × -3 चल के बस +9। अब ये इधर ये इधर, तो 8x-3x है तो इधर आके +3x हो जाएगा, इधर 9 है, इधर +8 है तो इधर आके -8 हो जाएगा। 8 और 3 = 11 = 1, तो यहाँ से एक्स आ गया 1/11। समझे भाई, अच्छा उसका डिस्कनेक्ट ही हो गया। चलो कोई नहीं, आ जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी अंशिता जी, पिछले सवाल का जवाब आपका 2/11 था, लेकिन आंसर तो 1/11 है। हाँ हो गया, गलती से टाइप हो गया था, वो क्या गलती कर दी थी कुछ। बोल बोल। सर, वो पहले साइन पे गलती कर दी, फिर उसको मल्टीप्लाई नहीं करा भाई। चल देख ले, चल ये नोट कर ले। अंशिता ये वाला नोट कर ले, और ये सही जवाब है मिस्टर आदर्श। गुड, वेरी गुड। चलो ये वाला करो फटाफट से। सूरज, अंशिता, आंसर दो सुभाष। और ये गलत जवाब है मिस्टर सूरज। एक बार में सही आंसर मत दियो तू कभी, पहले गलत देता है फिर सही देता, ऐसे कैसे चलेगा रे। सिली मिस्टेक्स मत करो यार। चलो एक मिनट और दे रहा हूं।
अंशिता ये क्या होता है ये जो तूने लिख के भेजा है, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी लड़की। सूरज सोनी अपना साइन चेक करो जरा, यही आएगा। हाँ तो क्या होगा आंसर अंशिता? ये क्या करती है रे, तू कभी कभी फनी हरकत कर देती है ऐसे। 28 वैसे। अरे सूरज, ये माइनस कहाँ से ले आया भाई तू? तो कर दो यार क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 20x+10। इधर 9 से करेंगे, 27x-18। ठीक है भाई, तो एक्स इधर ले जाओ, एक ले जाओ। तो बेटा सूरज, दोनों साइड माइनस का हो रहा है ना यार। तो -7x है इक्वल टू -20, तो -7 जाएगा इधर डिनोमिनेटर में। सर मैंने माइनस किया ही नहीं। यहाँ पे तो -4 आ रखा है लिखा हुआ, देख। रुको, पता नहीं। अंशिता 28/7 है, इतना आलस। चलो आगे चलते हैं, सबका हो गया ना। तो अब ये वाला कर दो क्वेश्चन फटाफट से। अच्छा छह पार्टिसिपेंट कौन आ गए? अरे अंशु, ए अंशु तू कहां से आया? अरे चला गया, चुपचाप आया और चला गया। सूरज यार चेक कर, पता नहीं एक बार में मत दियो तू सही जवाब। हाँ भाई अंशिता, हुआ अरे अंशिता, नहीं हुआ गया? जल्दी कर दे रहे लड़की। सूरज क्या भाई, दे दे सही जवाब भी। अरे अंशु क्या हाल चाल रहे? तो एरर आ रहा था, तो अब कैसे ठीक हुआ? अनम्यूट कर ले, वेट करता रहूंगा क्या तेरे मैसेज का? तो ये चीज तू क्या 3:30 बजे नहीं करना था फोन स्विच ऑफ करके रिस्टार्ट है? ये तेरे को 4:30 बजे करना याद है?
जब क्लास खत्म हो रही है, ओ अनम्यूट करके बोल भाई, मैसेज नहीं पढ़ रहा मैं तेरे। यस सर। क्या तो ये फोन स्विच ऑफ किया था तो ये तू 3:30 बजे नहीं कर सकता था? यस अभी सर। करा तूने जाके 4:30 बजे? क्यों? सर तब मम्मी बात कर रही थी किसी से, हमने तो बोला था मतलब हम। बात करनी जरूरी है ज्यादा, क्लास अटेंड करनी जरूरी है ज्यादा? बोल देना सर गुस्सा हो रहे थे। क्या यस सर। ये बात कर रहे हैं क्लास के टाइम पे फोन यूज कर रहे हैं? अरे गलत है रे अंशिता रे, क्या कर रही तू? चलो फिर देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? ठीक है भाई, ऐसे हो जाएगा। तो अब फिर ब्रैकेट खोल देते हैं। सो 4 × इस टाइप की ब्रैकेट खोलनी आती है ना तुम लोग? +X × 5 ठीक −X +X × 7 - X कितना हो गया? 20 - 4X + 5X - X²। एक्स और एक्स 2 बार है, X²=14 - 2X + 7X - X²। ठीक है, अब एक्स वाली टर्म सारी एक साथ करेंगे तो ये हो गया। पहले उससे ये सॉल्व कर लेते हैं। 20 + X हो गया -X²-X²। ठीक है तो लिख लेते हैं, तो X² वाली टर्म भी इधर ले आता हूं मैं, तो -X² इधर आके +X² बन जाएगी। =14 + 5X। तो -X² और +X² गए, तो यहाँ पे अब एक्स वाली टर्म एक साथ कर लो तो 5X इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया सबको? हाँ अंशिता समझी? नोट कर लो। कर लिया कॉपी? चलो फिर तो आगे चलते हैं। तो अब आ गया ग्राफ का नंबर, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जनरल इक्वेशन से शुरू करेंगे। AX + B = 0 है सब, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो AX आ गया -B के इक्वल, ट्रांसपोजिशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं बोलूंगा कि X हो गया -B/A। तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखो यार, X है -B/A। तो अभी मैंने शुरू में क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन के जैसे, तो इन्होंने X की वैल्यू फिक्स करी है, तो y क्या होता है? तो यहाँ पे मेरे दो होते हैं, एक y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, राइट? तो y क्या होगा यहाँ पे? y कुछ भी हो सकता है,
राइट तो जब एक्स और वाई की हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे एक तो एक्स माइनस बी बाय वाई वन ना ठीक एक्स माइनस बी बाय वाई टू भी एक्स माइनस बी बाय वाई थ्री वाई कुछ भी हो सकता है तो लेट्स से माइनस बी बाय इज पॉजिटिव तो एक्स की वैल्यू फिक्स है तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं हम ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके उसके बाद उनको ज्वाइन कर देंगे हमारी लाइन आ जाएगी सपोज दिस पॉइंट इज माइनस बी बाय ए ठीक है तो माइनस बी बाय ए कॉमा वन तो यहाँ वन है टू थ्री तो कॉमा वन ये हो गया एक पॉइंट माइनस बी बाय ए कॉमा टू माइनस बी बाय ए कॉमा थ्री अब हम इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि डिनोट करती है किसको x इक्वल टू माइनस बी बाय ए और जो हमारी इनिशियल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ये इस लाइन का ग्राफ ठीक है समझ आया भाई सूरज अंशिता क्लियर है अंशु ठीक है तो देखो ध्यान से तो जो x इक्वल टू माइनस बी बाय ए है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा हमेशा एंड दैट विल बी आर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ठीक है तो अगर ये डिस्टेंस जीरो हो जाए तो ये मेरी लाइन कहां पहुंच जाएगी बोलो बोलो अनम्यूट करके बोलो इसको हम अगर डी बोल दें नाउ इफ डी इज जीरो दिस डिस्टेंस इज डी इफ डी इज जीरो तो ये लाइन मेरी इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी वाई एक्सिस के ऊपर ही है ना तो बोलो बोलो कुछ तो बोलो भाई ये डिस्टेंस हो गया जीरो तो हमारी इसकी इक्वेशन क्या होती है इस लाइन की एक्स इक्वल टू दिस डिस्टेंस दिस इज डी तो अगर डिस्टेंस जीरो हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पे हम ग्राफिकली देख रहे हैं ये लाइन वाई एक्सिस के ऊपर पहुंच जाएगी तो हम बोलते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन होती है किसकी y एक्सिस की समझे अंशिता अंशु अंडरस्टूड क्या चीज सर ये ओवरलैप करा तो देखो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन समझ में आई तुम्हें x इक्वल टू माइनस बी बाय की ये लाइन कैसे बनी ये ग्राफ कैसे बना ठीक है अब ये जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाय ए होगा कॉमा जीरो इस लाइन पे हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय ए ही होगा क्योंकि ये लाइन क्या है हम हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी यस और नो बोलो बोलो नहीं समझ में आ रही अभी तो y एक्सिस के पैरेलल होगी या नहीं हाँ जी बोलो यस सर होगी ठीक है तो y एक्सिस से इसका एक डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा इस लाइन पे हर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा वो डिस्टेंस बोलो यस सर इसकी इक्वेशन क्या थी x इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस राइट यस और नो फटाफट से बोलती जा यस सर तो अगर मैं इस डिस्टेंस को जीरो कर दूं तो क्या होगा तो y एक्सिस से मैं कहीं गया ही नहीं ना ये तो y एक्सिस से d डिस्टेंस पे तो अगर ये d डिस्टेंस जीरो हो गया तो मैं बेसिकली बात y एक्सिस की ही कर रहा हूं Yes,
तो बस यहाँ पे अगर मैं डी को जीरो डाल दूं तो एक्स इक्वल टू जीरो मेरा क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस, जो ऑब्वियस भी है ना। देखो वाई एक्सिस पे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ, जीरो ही होता है ना हमेशा, वाई कुछ भी हो सकता है। इट इज सिमिलर टू दिस, अब यहाँ पे एक्स माइनस बी बाय ए है, बस वाई कुछ भी हो सकता है, तो ये लाइन हो गई। अब यहाँ पे एक्स मेरा जीरो हो गया, वाई कुछ भी हो सकता है, तो ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, समझ गए अब? यस सर। पक्का? देख ले, नहीं समझ आया तो बोल ले, अभी भी फिर समझा दूंगा। चल नोट कर लो भाई, सब नोट हो गया हो तो बताओ, सब ताली बजा दो ताली। हाँ भाई आदर्श कर लिया कॉपी? ठीक है, तो सिमिलर टू दिस अगर अब हम बात करें ए वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे y फिक्स कर दिया मैंने और x मेरा कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं टेबल बनाऊ यहाँ पे तो x1 होगा तो भी y माइनस बी बाय होगा, x2 होगा तो भी y माइनस बी बाय होगा। बेसिकली हमें दो ही पॉइंट्स की जरूरत होती है एक लाइन की बनाने के लिए। तो अब मेरा x चेंज हो रहा है लेकिन y मेरा सेम है, तो किस टाइप का ग्राफ आएगा? सपोज दिस माइनस बी बाय इज पॉजिटिव, तो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स, तो वन कॉमा माइनस बी बाय ए, तो इधर लेट्स से दिस इज माइनस बी बाय ए, तो वन कॉमा माइनस बी बाय ए, टू कॉमा माइनस बी बाय ए, तो हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसी हो जाएगी कुछ। ठीक है, यही होगी। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम कैसे डिनोट करेंगे? वाई इक्वल टू माइनस बी बाय ए, या फिर हम बोल सकते हैं ए वाई प्लस बी टू सी। अब अगेन वाई इक्वल टू माइनस बी बाय, व्हाट डज इट सिग्निफाई ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का क्या है, माइनस बी बाय, तो ये जो लाइन है ये लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू d, y is equal to d distance, and if this distance becomes zero, then I am talking about x axis. Understood? Anshu, samjha bhai? Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो सब लोग। सूरज हो गया, आदर्श? यस सूरज, आई नो। अंशु हो गया कॉपी? डिस्कनेक्ट हो गया, ये हुआ। ये बीच कहाँ से आ गया? ठीक है भाई, तो अब एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो पहला मैं करता हूँ, तो सबसे पहले टेबल ही बनाएंगे। ठीक है, टेबल बना ले। तो एक्स, तो यहाँ पे x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू थ्री इसका सॉल्यूशन होगा, तो x थ्री है y वन, x थ्री है y टू भी। तो यहाँ पे देखते हैं ग्राफ पे, तो x वन
तो हमारे पॉइंट्स क्या है, 3.1, 3.1 एंड 3.2। तो ये देखो सीधी लाइन क्या बन जाती है, x इक्वल टू 3 अगर लाइन है हमारी, तो हम x इक्वल टू 3 से मतलब 3.0 से पास होने वाली एक लाइन खींचेंगे जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी हमेशा। ठीक है भाई, समझ गए? अंशिता, आदर्श, got it? तो अब इसकी इसका ग्राफ बनाओ सेकंड पार्ट का। तो लेबलिंग जरूरी है, भूल मत जाना। ये टेबल भी दिखानी जरूरी है, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना, तो सीधा 3 पे x इक्वल टू 3 पे एक लाइन खींच दो y एक्सिस के पैरेलल, वो अपने आप 3.1 3.2 इन सबसे पास करती हुई जाएगी। बट लेकिन ये टेबल दिखानी जरूरी है। ये नोट भी कर लेना। इस सिंबल का मतलब मैंने बताया हुआ है ना तुम्हें, दिस मीन्स बिलोंग्स टू y, belongs to r, मतलब y कोई भी रियल r हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। ठीक है भाई, हो गया कॉपी? अंशिता, आदर्श, कॉपी कर लिया? ठीक, और अब इसका ग्राफ बना लिया। इसका ग्राफ बना के सब फोटो खींच के मेरे को भेजेंगे व्हाट्सएप पे फटाफट से। चार मैसेज आने चाहिए मेरे पास। एक भी नहीं आया अभी। पहले ट्रांसपोजिशन से इसका सॉल्यूशन निकालो, एक्स की क्या वैल्यू होगी और फिर वाई की वैल्यू अलग अलग रख दो जो रखनी है। हाँ भाई, हुआ नहीं किसी का सेकंड पार्ट का? सूरज, अंशिता, आदर्श, फोटो खींच के भेज नहीं पाओगे तो बोलो। बोलो बोलो।
अंशु क्या हो गया भाई, बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रखी? आवाज भी ना आ रही तेरी। हाँ भाई अंशु, बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या यस सर। हो गया आज? सर किसका ग्राह भेजना आपके पास? यही सेकंड पार्ट यस का, और किसका? और तू तो पिछली क्लास में क्यों नहीं आया था अंशु? सर, पिछली क्लास में भी एरर आ रहा था, हमने मैम को भेजा था। तो मैडम ने क्या कहा? मैम बोले हम कुछ नहीं कर सकते इसलिए, आपके आपके वहां से इशू है। अच्छा, कह तो सही रही है मैडम, कर तो कुछ नहीं सकते। फोन रिस्टार्ट करके हो गया था ना सही, तो कल क्यों नहीं करा था फोन रिस्टार्ट फिर से? चल कोई बात नहीं। हाँ भाई भेज दो भाई सेकंड पार्ट का आंसर। सूरज, अंशिता, आदर्श। अरे भाई आ जाओ भाई, ये ए वाली कौन अंशित? ये सही है भाई। ये ए नाम से कौन है भाई? ए नाम का वॉलपेपर किसका? अंशु तू है क्या? चला गया वो। हाँ भाई सही है सूरज, ये तेरा ही है ना सूरज, तो बना हुआ है जिसमें माई लाइफ माई रूल, सूरज हाँ नाम भी लिख दिया सूरज वॉलपेपर में नाम लिख दिया अरे आदर्श, ये तेरा है क्या? ए का, ए नाम का जो वॉलपेपर है। अच्छा अंशिता, क्या नहीं हुआ क्या? अरे लड़की जल्दी भेज, क्लास खत्म करें फिर।